सो गाइज वेलकम बैक टू सुपर इजी फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स पार्ट टू। तो अब के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ एडजस्टमेंट के बारे में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जो अपनी फोटो है उसको मास्किंग करने के बाद, उसको उसका कटआउट निकालने के बाद, उसको सही से जो है ब्लेंड कैसे करवाएं अपनी अपनी फोटो के साथ, अपने बैकग्राउंड को। तो गाइज आपको सिंपली जस्ट करना क्या होगा, पहले आपको फ़ोटो इंपोर्ट करनी होगी, जो कि मैं ये अपने केस में ये वाली फ़ोटो है ले रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरे को क्या है कि थोड़ा सा इस एरिया में, ये वाले एरिया में मेरे को बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स लग रही थी। तो मैंने फर्स्ट क्या करूँगा मैं, तो गाइस कर्व्स लेयर लेके मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके अभी कर्व्स पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट ये जो है इसको मैं धीरे धीरे नीचे करता जाऊँगा। आप देख रहे हैं रियल टाइम में वो चेंज रिफ्लेक्ट करता जा रहा है और वो मेरी फ़ोटो को अफेक्ट इस तरीके से कर रहा है कि उसमें जो जो भी है ब्राइट चीज़ें वो सब ब्लैक हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको इन्वर्ट कर दूंगा कंट्रोल आई से, और बी से मैं ब्रश को अपने निकाल कर सिंपली इधर वाइट ब्रश से पेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जो जो भी मेरा ये वाला एरिया होगा वो सारा धीरे धीरे ब्लैक होता जाएगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ बिफोर एंड आफ्टर, तो ये देखो गाइस कितना सही लग रहा है। ऐसे ही करके मैंने ये थोड़ी सी हाइलाइट्स ऐड की थी। इसमें जस्ट किया क्या है मैंने, कर्व्स एंड कर्व्स एडजस्टमेंट लेकर हाइलाइट्स को थोड़ा ऊपर किया है। जो ये वाले पॉइंट होते हैं ऊपर, ये होते हैं हमारे हाइलाइट्स। ये अगर नीचे होंगे तो हाइलाइट्स कम होगी, अगर ये ऊपर होंगे तो हाइलाइट्स ज़्यादा होगी। जो भी सेंटर वाले पॉइंट्स होते हैं ये होते हैं मिड टोन्स, जो मोस्टली कंप्लीट फोटो को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो लास्ट में होते हैं ये होते हैं गाइस हमारे कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, ये एक फेड लुक दे देता है और यहाँ तो ये शेडोज को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो कंट्रास्ट इस चीज़ के काम आता है। अब उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ब्राइट करना चाहा, क्योंकि मेरे को लाइट्स इसका सोर्स काफ़ी ज़्यादा लग रहा था लाइट्स का, और मैं इसको ब्राइट करना चाहता। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ब्राइटनेस एडजस्टमेंट लेकर लेयर लेकर इसको मैंने सिंपली ट्विक अप कर दिया। और उसके बाद मैंने इसका मास्क निकाल कर उन जगहों पर पेंट कर दिया जहाँ पे, जैसे ये लाइट है, जहाँ पे मेरे को लाइट का सोर्स चाहिए था। तो अभी अगर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो इसका बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी सही लगेगा आपको। तो ये है बिफोर, ये है आफ्टर। ऐसा ही होता है गाइस, चीज़ें फ़ोटो में बहुत होती हैं लेकिन जस्ट उनको बैलेंस करवाया होता है, आपको पता नहीं चलता कि काफ़ी सही तरीके से ऐड की हुई हैं। आपको सिर्फ ये लगता है कि वो फ़ोटो में हाँ इसने अपने आप को ऐड किया है और ये काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन रियल टाइम में उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैंने पूरी फ़ोटो का किया था। तो अब ये है कि मैंने अपनी एक ये फ़ोटो ली थी, अभी अगर मैं दिखाऊं तो ये फ़ोटो कुछ ऐसी थी। ये फ़ोटो कुछ ऐसी थी, लेट मी शो यू। ये देखो, ये फ़ोटो बेसिकली ऐसी थी और मैंने उसको कटआउट कर लिया सिंपली पेन टूल से। जो भी मेरे को जितनी भी चीज़ें चाहिए थी मैंने जस्ट एक सिंपली कटआउट कर लिया। अगर आपको मेरी कटआउट वीडियो देखनी है तो मैंने उस पर एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, प्लीज़ पहले आप जाकर वो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि सही से प्रिसाइजली कटआउट कैसे करना है। मैंने जस्ट इसका कटआउट करके, इसको कटआउट करके मैंने इस तरीके से सेट किया ताकि मेरी फ़ोटो जो है वो फ़ोटो में काफ़ी सही तरीके से ठीक लगे पहले इनिशियल स्टेज में। तो मैंने अपनी फ़ोटो को यहाँ पे चाहा था और उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने एक कर्व्स एंड एडजस्टमेंट लेयर बनाई। मैंने क्या किया, एक कर्व्स एंड यहाँ पे क्लिक किया और कर्व्स पे क्लिक किया और मैंने एक कर्व्स एंड एडजस्टमेंट की लेयर बनाई। मैंने उसको नीचे किया और जस्ट सिंपली ऐसे ही रहने दिया, कुछ पेंटिंग नहीं की इस टाइम। उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो ये फ़ोटो, हाँ मैं कहता हूँ कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है, बट यार ये बिल्कुल ओरिजिनल नहीं लग रही। आप कहोगे कि अनमोल ये तो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं लग रही। तो उसको मैंने धीरे धीरे बैलेंस करना शुरू किया। अब वो कैसे किया, मैंने एक ब्राइटनेस लेयर बनाई जो कि है फिर से वही, नीचे क्लिक करके यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स पे ब्राइटनेस लेयर पे गया मैं और सिंपली जो ब्राइटनेस है उसको डाउन कर दिया। उसको डाउन करने से आप देख सकते हो कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। फिर मैंने उसका मास्क इन्वर्ट कर दिया और सिंपली जहाँ पे भी मेरे को बी से मेरा ब्रश फोरग्राउंड कलर वाइट और जहाँ से भी मेरे को मेरे चेंजेस चाहिए थे मैंने वहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया।
जैसे काफी चीजें ज्यादा ही वाइट थी तो मैंने उनको पेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब देख सकते हैं कितना चेंज आया है इसमें। तो वैसे ही गाइज ये थी वो मेरी ब्राइटनेस की लेयर। उसके बाद मेरे को यहाँ इन चीजों पे भी काफी ज्यादा ऐसे लग रहा था कि ये ओवर जो है एक्सपोजर, ओवर एक्सपोज लग रही थी मेरे को, एक्सपोजर इन पे ज्यादा ही था, तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ी सी ब्राइटनेस ऐड की। फिर उसके बाद मेरे को जो है ब्राइटनेस करने के बाद भी जो चीजें ज्यादा वाइट लग रही थी, फिर मेरे को ऐसा था कि अब उनका मैं एक्सपोजर सेट करूँ। ब्राइटनेस और एक्सपोजर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? ब्राइटनेस होता है एक वाइट कलर जो कि एनहेंस होता है, और एक्सपोजर ये होता है कि वो आरजीबी में जो रेड ग्रीन और ब्लू कलर होते हैं उनमें जो वाइट कलर होता है उनको एनहेंस करता है स्पेसिफिकली। तो जैसा कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ फोटोज होती हैं जैसे स्काई काफी ज्यादा ग्लो हुआ हुआ होता है, या फिर कह लो जैसे अब ये देखो ये कम्प्लीटली वाइट हो चुका है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो आरजीबी कलर है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैक हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब यही था बस, अगर आपको समझ आ गया हो तो। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सपोजर लेयर बनाकर धीरे धीरे उन चीजों पे पेंट करना स्टार्ट किया जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि वाइट्स बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद मेरे को अब बनानी थी हाइलाइट्स, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक पोल के नीचे खड़ा हूँ, यहाँ पे एक पोल है और उस पोल से लाइट नीचे को ट्रेवल कर रही है। गाइज ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं लॉजिकल जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनका। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जस्ट सिंपली एक यहाँ पे मैं गया एडजस्टमेंट लेयर्स पे, सॉलिड कलर पिक किया, यहाँ पे वाइट कलर चूज किया, और इसको मैंने अपनी फोटो के साथ जो है लिंक किया हुआ है, क्लिप किया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्लिक करने से मेरा जो है वो फोटो क्लिप हो जाएगी। अब मैंने इसको जस्ट सिंपली इन्वर्ट कर दिया, और अब मैं उन जगहों पर गया जहाँ पे मेरे को हाईलाइट चाहिए थी, जैसे बाल। तो बालों पे क्या करना होगा, मेरे को सिंपली धीरे धीरे पेंट करना होगा। आपको ब्रश का साइज काफी छोटा रखना है, उसके बाद आपको सिंपली जस्ट यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर देना है। गाइज पेंट करने से क्या होगा, हाइलाइट्स आप जितनी ऐड करेंगे आपकी फोटो में उतना रियलिज्म आएगा। यहाँ पे भी थोड़ा, वेल अगर आप देख रहे हो तो आप देख सकते हैं कि ये हाइलाइट्स जो है काफी सही बन गई है, जो हाइलाइट्स हैं वो काफी सही बन गई हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, हाइलाइट ड्रॉ करने के बाद आपको देख लेना है कि आपकी हाइलाइट्स सही भी लग रही हैं। मेरे को ये काफी हद तक सही लग रही थी, तो मैंने उसके बाद अपनी हाइलाइट्स को जो है परफेक्ट करते करते ऐसी हाइलाइट्स बना दी थी। उसके बाद देन मैंने थोड़ा सा ग्लो ऐड किया था। ग्लो ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, एक सिंपल लेयर ड्रॉ की, उसके बाद मैंने जो अपना है डीप्रेस किया, जो मेरे कलर्स हैं वो डिफॉल्ट हो जाएंगे उससे। उसके बाद एक्सप्रेस करने से मेरा जो है कलर आ जाएगा। मैंने जस्ट सिंपली ओपेसिटी को काफी कम रख के धीरे धीरे यहाँ पे पेंट करना शुरू कर दिया। अगर आप देखो तो यहाँ पे है इफेक्ट है, लेकिन वो इतना पता नहीं लग रहा है। तो उसके बाद मैंने ग्लो ऐड करने के बाद सिंपली, अभी मैंने देखा कि पीछे रेड कलर की लाइट है, पीछे रेड कलर की लाइट है, तो मैंने अब सोचा कि अब यहाँ पे रेड कलर की मेरे को हाइलाइट्स की जरूरत है। तो उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैं फिर से एडजस्टमेंट लेयर पे गया सॉलिड, देन मैंने कलर पिकर से ये वाला कलर चूज कर लिया, अब ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने क्या किया, इस कलर पे मेरे को था कि यार थोड़ी सी हाइलाइट्स चाहिए, तो मैंने इसको थोड़ा सा वाइट की तरफ मूव कर दिया। उसके बाद मैंने सिंपली उसको इन्वर्ट किया और देन मैं यहाँ पे पेंट करता चला गया लाइट ब्रश के साथ, बहुत ज़्यादा लाइट ब्रश के साथ। तो गाइज अगर आप देख सकते हैं तो मेरे को ये काफ़ी सही लग रहा है। इधर से मैं थोड़ा स्मूथ कर दूंगा बाहर की तरफ, ताकि ऐसा लगे कि ये बाहर को जाते जाते खत्म हो रहा है। तो अगर आप देख सकते हैं ये मेरे को काफ़ी सही लग रहा है ये इफेक्ट। उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया, मैंने हैंड पे भी ड्रॉ कर दी जो अपनी एल्बो थी वहाँ पे हाइलाइट्स, उसके बाद मैंने ग्लो भी ऐड कर दिया। देन मेरे को था कि अब यहाँ पे जो रोड का ऑरेंज कलर है ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लाइट यहाँ पे ट्रेवल कर रही है और ये रोड गीली है तो ये ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करेगी। देन मैंने ऑरेंज हाइलाइट्स बनाई, देन मैंने उन पर ग्लो ऐड किया। फिर उसके बाद मेरे को जो फेस था वो एक साइड से जो डार्क होना चाहिए था वो काफी ब्राइट लग रहा था, फिर मैंने उसको भी डार्क किया। देन गाइज मैंने जो चीज ज्यादा ही डार्क थी उसको ब्राइट कर दिया थोड़ा सा, वही सेम कर्व लेयर पर जाकर थोड़ा सा बस अप ट्वीक करके इन्वर्ट करके मास्क को, और यहाँ पे ब्रश से हल्का हल्का व्हाइट कलर से पेंट कर दिया। तो गाइज आप देख सकते हो थोड़ी सी ट्वीक से कितना ज्यादा फर्क पड़ गया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, हेयर्स की थोड़ी और हाईलाइट ऐड की और शेडोज काफी ऐड की थोड़ी ज्यादा। देन उसके बाद मैंने उन जगहों पे ग्लो ऐड किया जहाँ पे
लाइट्स थी उनको ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, एक सिंपल लेयर ली। लेयर लेने के बाद मैंने क्या किया, अपनी न्यू लेयर क्रिएट की और उसके बाद वाइट कलर से, सॉरी उसके बाद ओपेसिटी को कम किया और वाइट कलर से धीरे धीरे पेंट करना स्टार्ट कर दिया। और गाइज देख सकते हैं आप कितना सही इफेक्ट पॉप हो रहा है। देन अब मेरे को था कि यार मेरी फोटो जो है वो अच्छी तो लगनी लग गई है, लेकिन वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक जगह पे, इस जगह पे मैं पीछे खड़ा हूँ और इस जगह से मैं आगे खड़ा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, जो पीछे से वो स्टूल था या फिर कह लो जो स्टील का जो भी था, स्टील की ग्रिल थी, उसको मैंने क्या किया पेन टूल से सिलेक्ट करके आगे कर दिया, डुप्लीकेट कर। अब उससे क्या था, मैं काफी अच्छा ब्लेंड होने लग गया था अपनी फोटो में। देन मैंने उस पर भी हाईलाइट्स ऐड की, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे ऊपर हाईलाइट्स ऐड होंगी और बाकी जगह पे नहीं होगी तो ऑब्वियसली इलॉजिकल लगेगा। देन मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी और ब्राइटनेस ऐड की क्योंकि मेरे को फोटो काफी डल लग रही थी। देन गाइज अब जहाँ पे मेरे को थोड़ा डार्क चाहिए था, जो मेरे को एक्चुअली ये जो चीजें थी यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लग रही थी ये वाली चीजें, तो मैंने क्या किया सिंपली इनको थोड़ा सा डार्क कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा फेड लुक देने के लिए व्हाइट कलर से पेंट कर दिया। देन उसके बाद गाइज मेरी हो गई फाइनल कलर करेक्शन। फाइनल कलर करेक्शन में काफी ज्यादा फर्क आया। अभी मैं फाइनल कलर करेक्शन नहीं कवर करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली अभी उतना नहीं आपको डिटेलिंग में पता होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लाइट के साथ कैसे काम करना है, कलर्स को बैलेंस कैसे करना है, और जो लाइट्स हैं वो डिफरेंट जगह से कैसे मैनिपुलेट करनी है, और जो हाइलाइट्स हैं उनको ड्रॉ कैसे करना है। मेरा मोटिव ये था कि मैं इस पोस्ट को यूज करूँ क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। इसमें हाइलाइट्स ड्रॉ करनी ऐड हो रही हैं, इसमें जो लाइट ट्रेवल कर रही है और हिट कर रही है वो ऐड हो रही है, इसमें मैंने आपको बता दिया हाइलाइट्स को ड्रॉ कैसे करना है, लाइट को मैनिपुलेट कैसे करना है, और उन चीज़ों का ध्यान कैसे रखना है जो चीज़ें डिस्ट्रैक्टिंग है या फिर कम लग रही हैं। और बाकी इधर में से अभी तक सॉलिड कलर, ब्राइटनेस, कर्व्स और एक्सपोजर जो है वो मैंने कवर कर दिया है। अब जो नेक्स्ट मेन चीजें रह गई हैं वो है ह्यू एंड सैचुरेशन। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon.